वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. कंपनीज के ओनर कौन होते हैं चिल्ड्रन? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स वो लोग जो अपना पैसा एज इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगाते हैं. ओके, द पॉइंट हियर इज, मान लो एक कंपनी का शेयर जो पूरी कंपनी की कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर जो एक पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं? शेयर. एक पार्ट को हम, एक यूनिट को हम शेयर बोलते हैं. अब वो शेयर कंपनी की मर्जी है कि वो कितने पे रखता है. एक शेयर की वैल्यू जनरली इट इज ₹10 और ₹100. ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ वन शेयर. तो हम उसको 10 लेके चलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल. नाउ कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है. आज मान लो टाटा कंपनी का शेयर है या वट एवर रिलायंस कंपनी का शेयर है, जिसकी मर्जी वो शेयर खरीद सकता है. शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ओके, लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, एज अ कंपनी आप कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि वो शेयर कोई भी खरीद सकता है. सैलरीड एम्प्लॉय भी खरीद सकता है जिसका शायद इतना बड़ा बजट ना हो. बिजनेसमैन भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है. तो कंपनी सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं बुलाती. सबसे पहले कंपनी शेयर्स इशू करती है, इशू करती है शेयर्स. तो मान लो एक कंपनी ने बोला कि मैं 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर. तो इतना तो आपको भी देख के समझ में आता है कि 10,000 × 10 ₹1,00,000 कंपनी को मिलेंगे बिकॉज ऑफ शेयर इशू. क्या वो सारा पैसा साथ में मंगाएगी? आंसर इज नो, वो सारा पैसा साथ में नहीं मंगाएगी. तो वो ब्रेकअप करती है. कैसे ब्रेकअप होगा? पार्ट नंबर वन, पहले जनता अप्लाई करती है कि हाँ हमको आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन. ठीक है, हम लोग जनता लोग, ये कंपनी है, मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है. नाउ वी आर द पीपल, वी विल अप्लाई टू बाय दीज कंपनी शेयर्स. तो फर्स्ट मनी इज एप्लीकेशन मनी. ठीक है, सेकेंड होता है अलॉटमेंट. वर्ड से आप फेमिलियर हो जाओ, ये मैं चाहती हूँ. सेकेंड इज अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन में जनता ने अप्लाई किया, प्लीज हमको आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने, हमको आपकी कंपनी के शेयर्स दे दो. अलॉटमेंट में कंपनी ने उन लोगों को शेयर्स दे दिए. देन देर इज कॉल. सो इट कैन बी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, वॉट एवर. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कंपनी ₹10 का ₹10 एक साथ नहीं मंगाएगी. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने ₹2 एप्लीकेशन पे मंगाए, ₹5 अलॉटमेंट पे मंगाए. तो क्या तुम बता सकते हो कि फर्स्ट कॉल पे वो कितना रुपीस मंगाएगी? ₹10 का एक शेयर था, ₹2 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट. So it will be 10 minus 2 minus 5. How much is it? 3 होता है ना. तो 10 रुपए में से यदि एग्जामिनर ने बोला ₹2 एप्लीकेशन पे मंगाया, ₹5 अलॉटमेंट पे मंगाया, फर्स्ट कॉल पे कुछ बोला ही नहीं है. अपने को भी समझता है ना कि ₹10 कंपनी को मंगाने हैं, 5 और 2 इधर मंगा चुके हैं, तो ₹3 ही तो बचा फर्स्ट कॉल के लिए. तो इस तरह से ब्रेकअप होता है. कंपनी पूरा पैसा साथ में नहीं मंगाती. एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल मनी. एप्लीकेशन में जनता अप्लाई करती कि हमको शेयर दे दो. अलॉटमेंट में कंपनी सच में उनको वो शेयर दे देती है, और फिर कॉल में एंड में वो फाइनली कॉल करती है कि बचा हुआ ₹3 दे दो, और वो लोग दे देते हैं कंपनी को. अच्छा, कई बार क्या होता है कि कंपनी की गुडविल या रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ₹10 का शेयर चाहे तो ₹12
में बेच सकती है, 10 का शेयर वो कितने में बेचती है, 12 में। तो क्या इस कंपनी की गुडविल के कारण वो ऐसा कर सकती है? हाँ ऐसा कर सकती है। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि कंपनी ने 10+2 में शेयर बेचा, दैट इज 10 इज योर कैपिटल कंटेंट। जो कैपिटल से ऊपर लिया ना उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर दिया। तो 10 रुपीज कैपिटल का, 2 रुपीज प्रीमियम का। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि प्रीमियम कहाँ दिया गया, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल मनी में, आंसर हमेशा अलॉटमेंट में ही होगा। याद रखो, कई बार क्वेश्चन बताता भी नहीं है कि 2 रुपये प्रीमियम एप्लीकेशन पे लेना है कि अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में। क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ लेना। तो यहाँ पर 5 रुपया कैपिटल का हो गया, 2 रुपया प्रीमियम का हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि XYZ लिमिटेड कंपनी इज अ रियली रेप्यूटेड कंपनी। हर कोई चाहता है कि इस कंपनी की शेयर मुझे मिल जाए, क्योंकि सबको इस कंपनी में ग्रोथ दिखती है। कंपनी ने इशू कितने शेयर्स किए थे? 10,000। लेकिन जनता ने, मतलब कितने लोग उस अप्लाई कर गए, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर गए? 12,000 शेयर्स। माय पॉइंट इज, आई एम रिपीटिंग दैट कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, बट पीपल वर इंटरेस्टेड इन बाइंग 12,000 शेयर्स बिकॉज ऑफ द गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, कैन कंपनी गिव मोर देन द इशूड शेयर कैपिटल? सो द आंसर इज नो। कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं 10,000 दूंगी तो मैं 10,000 शेयर ही इशू करूंगी, मैं 12,000 को शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अब 2 ऑप्शन बचता है बेटा, ध्यान से सुनना। या तो मैं 10,000 वालों को शेयर दे दूं और 2,000 वालों को रिजेक्ट कर दूं, रिजेक्ट 2,000 शेयर्स, उनको बोलूं मैं आपको शेयर नहीं दे सकती, आपने है ना 2 रुपये एप्लीकेशन पे दिया था मुझे, मतलब मैंने, मेरे पास 10,000 शेयर्स आए, 10,000 पे 2 रुपये मैं रख लूंगी, दैट इज 20,000 आई विल कीप एप्लीकेशन मनी, एंड 2,000 शेयर्स को उनको वापस उनके घर, आई कांट कीप योर मनी, सो आई एम रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन एंड आई एम रिफंडिंग योर मनी। क्या क्या वर्ड सीखे हैं देखो जरा, आप इंटू 2 करेंगे तो 4,000। तो ऑप्शन वन अवेलेबल टू द कंपनी इज रिजेक्ट द शेयर्स एंड रिफंड द अमाउंट। मैं रिकैप करती हूँ मैंने अभी तक क्या बोला। कंपनी है, शेयर इशू करना चाहती है, सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जनरली ये। उसके बाद यदि प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है तो प्रीमियम, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट में लेना, एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल में मत जाना। तीसरी बात, कंपनी की गुडविल ज्यादा है, 10,000 इशू करना चाहती। कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, रियल लाइफ में 1,00,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है एंड 1,00,000 की बजाय 5,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको शेयर दे, सबको कैसे देगी? वो कभी भी जितना करना चाहती है उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन वन तो उसके पास ये है, 10,000 का 20,000, 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी, इसको रख लो और इसको रिजेक्ट एंड रिफंड कर दो। लेकिन एक और स्मार्ट वे है, वो स्मार्ट वे क्या है, चलो देखो। कंपनी बोलती है, अच्छा मैं प्रो रेटा अलॉटमेंट करती हूँ, प्रो रेटा अलॉटमेंट, या मैं बोलती हूँ सिर्फ प्रो रेटा क्या है, सुनो अभी ध्यान से, प्रो रेटा इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। जनता ने लगाया था 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन, मैं तो 10,000 का ही दे सकती हूँ ना, तो मैं तो 10,000 ही दूंगी। आई कैन नॉट एक्सीड दिस चिल्ड्रन, आई कैन नॉट एक्सीड दिस,
मर्चेंट में इशूड अमाउंट दिया उससे ज्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं एप्लीकेशन में कितना पैसा रख सकती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, 10,000 × 2, 20,000 इज वॉट आई कैन कीप। अब क्या करूँ, मेरे को रिफंड करने की इच्छा नहीं है, तो मैं क्या बोलती हूँ, आई विल गिव यू प्रो रेटा शेयर। दैट इज बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन इधर, यही तुम गड़बड़ करते हो एग्जाम में। 12,000 शेयर्स वालों को मैं 10,000 शेयर्स दूंगी। दैट इज मेरा रेशियो क्या बन रहा है, देखो 12,000 अप्लाइड एंड 10,000 अलॉटेड। दैट इज टू की टेबल से, मतलब हम यदि इसको काटें तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 12:10। ये फर्दर कटता है, 2 5s are 10, 2 6s are 12। तो कैन आई से जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने उसको 5 शेयर दिया, मैंने किसी को भी मना नहीं किया, जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया मैंने उसको 5 शेयर दिए, ओके। तो मेरा रेशियो क्या बना, अप्लाइड इज टू अलॉटेड का 6:5। मतलब बेसिकली मेरे पास यहाँ पैसे कितने आए थे, 12,000 शेयर इंटू 2, मुझे 24,000 रुपीज़ मिले थे, लेकिन एप्लीकेशन में जो मैं यूज़ कर सकती हूँ वो सिर्फ 20 है। तो एक्सेस कितना बचा, एक्सेस इज 4,000। नाउ दिस 4,000 आई एम नॉट रिजेक्टिंग, आई एम नॉट रिफंडिंग, बट वॉट विल आई डू, आई विल एडजस्ट दिस एक्स्ट्रा पैसा इन अलॉटमेंट। मैं लौटा नहीं रही हूँ, अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 4,000 कम दे देना। बात समझ में आती है यहाँ तक, यस या नो? यस मिस। ठीक है, तो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे 4,000 कम दे देना, चलेगा मुझे। चलो अभी नेक्स्ट अलॉटमेंट करते हैं। मैं मिस पर ऐसा हुआ कि जो ये फ्लो रेटा कर रहे हैं उसमें अलॉटमेंट तो कवर हो गया, फिर भी पैसे एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो कॉल में ऐड होगा। एक मिनट, 99% केस ऐसा नहीं होगा। यदि उसके बाद हमको क्वेश्चन की लाइंस पढ़नी पड़ेगी। यदि वो बोलते हैं अलॉटमेंट एडजस्ट करके भी पैसा बच जाए, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करो, तो हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग नहीं एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट, उसके आगे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, रिफंड करो पैसा और फर्स्ट कॉल में फिर से मंगा लो, ओके। बट 99.99% केस ऐसा होगा ही नहीं, ओके। चलो अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे कंपनी बोल रही है भाई 5 रुपए तो मुझे कैपिटल का दे दे और 10,000 पे 2 रुपए मुझे प्रीमियम का दे। प्रीमियम मैं क्यों ना चार्ज करूँ प्रीमियम, कंपनी से आई एम अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। आज बोलो फेस जो 10 रुपया है वो कंपनी की फेस वैल्यू है, 10 रुपया फेस वैल्यू है। आज बड़ी बड़ी कंपनी सोचो, टाटा सोचो, रिलायंस सोचो, क्यों नहीं वो प्रीमियम चार्ज करेगी, उनकी गुडविल इतनी अच्छी है, करना भी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर वो मंगाना है कैपिटल का 50,000 और 20,000 प्रीमियम का, 70,000 इनको मंगाना है, ठीक है। क्या पूरा 70 बैंक में मंगाएंगी, यस या नो, इफ द क्वेश्चन इज प्रो रेटा, जवाब दो। पूरा 70 मंगा, इस क्वेश्चन क्या था ना, क्यों नहीं, माय क्वेश्चन इज पूरा 70,000 बैंक में मंगाएंगे, एम आई करेक्ट, या फिर यहां पे हां मंगवाएगी क्या था ना, फिर उसको माइनस करके मंगाएंगे। हां एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट का 4,000 रुपए एडवांस लिया था, अरे अभी कैसे बैंक में 70,000 मंगा सकते हो। बैंक में तुम अलॉटमेंट का अलॉटमेंट के टाइम कैपिटल का 50,000 ड्यू करोगे, प्रीमियम का 20,000 ड्यू करोगे, लेकिन मंगाओगे सिर्फ 70 - 4,000, दैट इज 66,000 ही बैंक में मंगाओगे। अंडरस्टूड और नॉट? यस मिस। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पहले हम ड्यू करते हैं, फिर हम पैसा मंगाते हैं। तो कितना ड्यू करना है, 10,000 शेयर है, तो हम ये बोलेंगे 10,000 × 3, 10 3s are 30,000 दे दे। फर्स्ट
फर्स्ट वी विल हैव टू आस्क कि ये दे दो एंड देन द जनता और द पब्लिक विल पे थ्रू बैंक 30,000 मिल गया एंड द क्वेश्चन विल बी ओवर. क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज. मैं जर्नल एंट्रीज सिखाने में जल्दी नहीं है, मुझे चाहिए पहले सारी वर्किंग सीखो. ओके, तब यदि यहाँ तक समझ में आया है, देखो जनरली क्वेश्चन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी या ज्यादा से ज्यादा एक और कॉल सेकंड कॉल मनी भी हो जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है, वो लोग वेरी वेरी स्मार्टली क्वेश्चन को ना यही एंड कर देते हैं. जस्ट सी यहाँ पर, दैट इज एप्लीकेशन का पैसा मंगाया है, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया है, फर्स्ट कॉल इज स्टिल टू बी मेड एंड बच्चों की आदत होती है ना 10 रुपया कैपिटल लेके पूरा क्वेश्चन करके आते हैं, वो कितना खतरनाक है. ये यहाँ तक ही, अभी तक जब तक कंपनी मंगाएगी नहीं पैसा तब तक बेचारा शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा दिया है, अभी तक अभी पहले कंपनी की जिम्मेदारी है ना फर्स्ट कॉल का 3 रुपया मंगाए, वो नहीं मंगाई है तो वो क्या उसको सपना आएगा शेयर होल्डर को कि जाके 3 रुपया देगा, और तुमने तो क्वेश्चन यही एंड कर दिया. तो मैं बोलती हूँ तुमको, मैं देखती हूँ बच्चों की कॉपीज में वो लोग ऐसे ही करते हैं, 10 रुपया का 10 रुपया लेके निकल जाते हैं, अरे क्वेश्चन यही एंड हो गया. एक सिंपल सी बात है, मैं तुमको मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगी तो तुम आओगे ना, बिना बुलाए तुम कैसे आओगे. तो पहले कंपनी को अपना कॉल का मनी बुलाना पड़ेगा. यदि कंपनी बुलाएगी तो जनता देगी, बुलाया ही नहीं तो जनता कैसे देगी. तो यहाँ पर यदि यहाँ तक मैं बात करूँ, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना मानोगे बेटा, 2+5. भले ही उसने क्वेश्चन में लिखा हो 10 रुपीज का शेयर है, लेकिन तुमने क्वेश्चन यही एंड कर दिया, आई कांट टेक दिस 3 एज कैपिटल इन कंसिडरेशन. तो यहाँ तक मैं 5+2 7 को ही कैपिटल मानूंगी और 2 को ही प्रीमियम मानूंगी. इसके आगे यदि कॉल्स आर स्टिल येट टू बी मेड, फर्स्ट कॉल इज येट टू बी मेड ऐसा लिखा हो, डोंट टेक दिस 3 इन योर पिक्चर, यू विल गो रॉन्ग देन एंड देयर. ये बात समझ में आई? हाँ मिस. ओके. यस मिस. ओके. आई रियली थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एट ऑड आवर्स, बट चिल्ड्रन आई डिड नॉट हैव मच ऑप्शन, सो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग. नाउ जो वो और देते हैं एग्जाम में, सुनो, वो लोग बोलते हैं हमको, राम एक आदमी था, दैट इज राम एक शेयर होल्डर था, ही पेड द एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी तो पेमेंट होगा ही ना, यदि कोई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन मनी नहीं दिया. ऐसा कैसे, एप्लीकेशन वो सामने से लगा रहा है तो 2 रुपया एप्लीकेशन है तो वो 2 रुपया देगा ही ना. राम अ शेयर होल्डर, सुनना लैंग्वेज, राम अ शेयर होल्डर पेड द एप्लीकेशन मनी बट फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी. ठीक है, ही वॉज होल्डिंग 100 शेयर्स. ठीक है, राम के पास 100 शेयर्स थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी. ऐसे केस में राम से हम कितना मांग रहे थे, 100 रुपए पे 5 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम, फेल टू पे. अभी यदि कोई बंदा, हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा, हम मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल का पैसा, वो नहीं पे कर रहा है, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, क्या करें? रूल इज, देखो यहाँ तो 3 रुपया है फर्स्ट कॉल का, 1 रुपया भी नहीं होता ना, 1 रुपया भी होता ना तो भी शेयर होल्डर ने शेयर अप्लाई किए हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेशन मनी भी दे, अलॉटमेंट मनी भी दे, कॉल मनी भी दे. यदि उसने 2 दिया, एप्लीकेशन दिया मान लो, अलॉटमेंट भी दिया, सिर्फ कॉल, मान लो फाइनल कॉल सिर्फ 1 रुपया का था, सिर्फ वो नहीं दे पाया, तो भी ये कंपनी का राइट है
कि वो उसके सारे शेयर्स फोरफिट कर ले। फोरफिट का क्या मतलब होता है? वापस से शेयर जो इशू किए थे ना शेयर होल्डर को, जब्त करके वापस अपने पास लेके आए। तो अब जो उसने पांच एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, क्या कंपनी उसको वापस देगी? कभी वापस नहीं देगी, क्योंकि जब उसने अप्लाई किया था तब उसको पता था कि उसको एप्लीकेशन का मना पैसा भी देना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल का पैसा भी देना पड़ेगा। सिंगल एक रुपए भी यदि फर्स्ट कॉल में होता और वो भी उसने नहीं दिया है, तो कंपनी शेयर्स को क्या करेगी? आंसर इज फोरफिट करने का राइट होता है। दैट इज, क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि राम ने यदि मान लो 100 शेयर है, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो राम के 100 शेयर भी हम वापस खींचेंगे, और जो उसने 2 रुपए या एप्लीकेशन पे दिए थे ना, दैट इज 100 × 2, वो भी मेरे हैं ना, तो मैं वो पैसे लौटाऊंगी और उसके शेयर जो उसके पास थे वो भी मैं खींच के लेके जाऊंगी। 2 राइट्स बनते हैं कंपनी के। एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो भी मैं रखूंगी, और उसके शेयर्स भी सारे 100 के 100 में खींच के वापस लेके जाऊंगी। यू कैनॉट से अरे मिस फाइनल कॉल का तो सिर्फ 1 ही रुपया था बाई चांस, 9 रुपये तो दिए थे ना उसने, तो ये तो बड़ी ज्यादती है कि इसके 9 रुपये भी रख लिया आपने और शेयर्स भी ले लिए। ये रूल है, आप एंड तक यदि नहीं दे सकते थे तो आपने शेयर्स को अप्लाई क्यों किया? क्या ये बात समझ में आती है कि यदि कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके पैसे भी ले लो और उसके शेयर्स भी वापस ले लो। कृष्णा पूछो, क्या पूछना है? हाँ मिस, मतलब जब लोग फोरफिट करते हैं तो उसमें वो प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड करना होता है या ओरिजिनल पे उसको फोरफिट करेंगे कंपनी? मतलब यदि प्रीमियम है, यदि उसने प्रीमियम दिया है, मतलब प्रीमियम वाला जो है, प्रीमियम का क्या करते हैं ये मैं आगे सिखाऊंगी एंट्रीज के थ्रू। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही हूँ कि शेयर को वापस खींचने को प्रीमियम, शेयर को वापस खींचने को फोरफिटर बोलते हैं, एंड इट इज स्पेल्ड लाइक दिस फोरफिटर का मतलब समझ में आया कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी नाउ। सबको आ गया फोरफिटर का मतलब? यस और नो, जवाब दो। यस मिस। फोरफिटर का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से खींच के वापस ले ले और उसने जो पैसे दिए थे वो भी उतना दे। अब कंपनी के पास शेयर्स वापस आ गए, तो मेरा क्वेश्चन है क्या करेगी उस शेयर्स का? तो द आंसर इज या तो अपने पास ही रख ले, या फिर राम ने डिफॉल्ट किया है ना, हो सकता है श्याम मोहन हरी किसी को भी रीइशू कर सकती है। तो जो शेयर्स खिंच के वापस आए कंपनी के पास, दैट इज जो शेयर्स फोरफिट हुए, या तो कंपनी उस अपने पास ही रख ले, खुश रहे उसमें, या फिर ऑप्शन नंबर 2, द फोरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड टू सम अदर शेयर होल्डर। अंडरस्टूड और नॉट? यस मिस, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन इज, मान लो राम के 100 शेयर्स हमने फोरफीट किए, इज देयर अ रूल कि 100 के 100 रीइशू करें, और इज देयर अ रूल कि है ना कुछ भी ना रीइशू करें, और इज देयर अ रूल कि 100 में से हम 25 रीइशू करेंगे, और इज देयर अ रूल 100 में से हम 50 रीइशू करेंगे? मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, मेरी कंपनी मेरे शेयर मैं रीइशू ना करूँ, मैं रीइशू करूँ सारे के सारे, मैं उसके 50% रीइशू करूँ, मैं उसके 25% रीइशू करूँ, मेरी मर्जी। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, राम के फोरफिट हुए एंड द सेम नंबर ऑफ शेयर्स वर रीइशूड टू श्याम, या फिर राम के फोरफिट हुए उसमें से 50% वर रीइशूड टू श्याम, राम के फोरफिट हुए 25% वर रीइशूड टू श्याम, कुछ भी हो सकता है। जो जैसा कंपनी बोलेगी वैसा हम करते जाएंगे, बट वो कुछ भी सकता है। अच्छा, एक और केस होता है इसके अंदर, जो देखो आप, ये मैंने बोला राम अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स failed to pay the allotment money, failed to pay the first call money, his shares were forfeited. अब ये भी हो सकता है कि राम, who was a holder of 100 shares,
failed to pay the allotment money, मतलब ये, and his shares were forfeited. देखो, it's not only accounts का test, it is your English का test also. He will write, Ram, a holder of 100 shares, failed to pay the allotment money, and his shares were forfeited. और उसके बाद first and final call was made. And the full money was received, whatever it is. अब मुझे एक बात बताओ, allotment करने के बाद राम ने पैसे नहीं दिए, यही forfeit हो गए। तो तुम first call 10,000 share का करोगे या 10,000 minus 100 of राम 9,900 का करोगे? फर्स्ट कॉल कितने लोगों से पैसा मंगाओगे इज माय क्वेश्चन। मिस मुझे समझ नहीं आया। ओके आई विल मिस क्वेश्चन बोलो ना। ओके आई विल गो स्लो। आप कंपनी ने एप्लीकेशन मनी 2 रुपया मंगाया, सबने पे किया। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी 5 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम मंगाया, सबने पे किया एक्सेप्ट राम, अ शेयर होल्डर हु वाज होल्डिंग 100 शेयर्स। हु वाज होल्डिंग 100 शेयर्स मतलब उसको अलॉट 100 शेयर्स हुए, मतलब उसने अप्लाई कितने किए होंगे, 120, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। राम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसने डिफॉल्ट किया, कंपनी का राइट है अपने शेयर वापस ले लेने का। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट कॉल वॉज मेड, मतलब पहले अलॉटमेंट मनी मंगाया, राम ने डिफॉल्ट किया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए, उसके बाद फर्स्ट कॉल किया। अब मेरा क्वेश्चन है, जब फर्स्ट कॉल करोगे तो पूरे 10,000 शेयर से एंट्री करोगे 10,000 × 3 या 100 शेयर्स राम के लेस करके 9,900 लोगों से 9,900 × 3 कितना मंगाओ? मिस 9,900 करेंगे। मैम 9,900। इट इज वेरी कॉमन सेंस, जब शेयर ही फॉरफिट कर लिए तो वो 100 राम आएगा कहाँ से फर्स्ट कॉल के लिए? वो क्यों देगा? तुमने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे। तो आपको ना सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। वो ऐसे ही लिखेंगे कि अलॉटमेंट वाज अलॉटमेंट मनी वाज ड्यू, एवरीबॉडी पेड अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट राम अ शेयर होल्डर हु कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट किया फर्स्ट कॉल वाज मेड। तो पहले फॉरफिट हुए फिर फर्स्ट कॉल हुआ, ये तुमको लाइन में जाना पड़ेगा। और ये ऐसे भी बोल सकते हैं, राम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो मतलब यदि ऐसा आया, राम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो तुम पूरा 10,000 से लेके जाओगे, क्योंकि 10,000 शेयर्स यहाँ पर राम था, भले ही उसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, फिर भी हमने उसके शेयर्स उसके पास ही रहने दिए। उसको बोला कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल में दे दे भाई, ये 3 रुपया ये भी दे दे, और ये 5 और 2 7 ये भी दे दे, पर उसने फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया। उसके बाद हमने शेयर फॉरफिट किए, दैट इज अपने शेयर वापस अपने पास मंगा लिए, तो इन दैट केस फर्स्ट कॉल पूरे 10,000 शेयर का होगा। समझा? समझाओ ना। अच्छा ठीक है, एक और बार समझाते हैं। देखो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि अलॉटमेंट हुआ, राम जिसने डिफॉल्ट किया वाज होल्डिंग 100 शेयर्स, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो मतलब 100 शेयर्स में राम से 5 रुपए कैपिटल का मंगाया था, 2 रुपए प्रीमियम का नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, यानी कि हमने अलॉटमेंट का उसने पैसा नहीं दिया, तो मैंने मेरे शेयर खींचे नहीं वापस, मैंने उसको एक चांस दिया, चलना अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मंगा रही हूँ, दोनों पैसे साथ में दे दे, चल कोई बात नहीं। बट ही डिड नॉट पे मी द फर्स्ट कॉल ऑल्सो, वो भी पैसा उसने मुझे नहीं दिया,
तो 100 × 3 ये भी नहीं दिया। अब तो मेरा सबर टूट चुका है कि ना तो ये अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है, ना तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में सेंटेंस आया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इन दैट केस राम डिफॉल्टेड इन अलॉटमेंट, राम डिफॉल्टेड इन फर्स्ट कॉल, बट आई गिव हिम अ चांस, गिव मी द कॉल मनी, तो मैं पूरा 10,000 शेयर से ही अपना पैसा मांगूंगी, 9,900 से नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉरफिट नहीं किए, मैंने यहाँ पर फॉरफिट किए, दैट इज आफ्टर द फर्स्ट कॉल। समझ में आई बात? हाँ मिस। सो चिल्ड्रन, जस्ट वन रिक्वेस्ट, मिस रिकॉर्डिंग्स वही है ना, मतलब वो जो आपने सुबह भेजा था।